साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक खास रेमेडी बता रहा हूं, एक छोटा सा आपको शब्द बता रहा हूं। इसको यदि आप लिख करके जहां भी आप रखेंगे, आप देखेंगे वहां पर मनी का, पैसों का एक बैलेंस बना रहेगा। यदि आपका व्यापार वगैरह है, बिजनेस वगैरह है, और उसमें यदि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो जिस भी ऑफिस वगैरह में जहां बैठते हैं तो वहां पर इसको लिख करके रख सकते हैं। और इस मंत्र को आप अपने पर्स में भी लिख करके रख सकते हैं। और आपको एक एंजल नंबर भी बता रहा हूं, अगर जो लोग रेमेडीज नहीं कर सकते हैं तो 41 डेज तक के लिए एक एंजल नंबर आपको बता रहा हूं। इस एंजल नंबर का मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसको तो हम नंबर तो किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं। एंजल नंबर है तो आपको क्या करना है, एक कोरी कॉपी लेनी है बिना यूज की हुई, और रेड कलर का पेन लेना है, वो भी आपको यूज किया हुआ ना हो। वैसे अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए, तो शुक्रवार का दिन सबसे बेस्ट होता है। वैसे आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, बस आस्था और विश्वास पक्का होना चाहिए। तो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, 808। इसको आपको रेड कलर का यूज करना है, रेड कलर के पेन से। अगर आपके पास में समय है तो 108, मतलब मिनिमम 108 और मैक्सिमम 1008, 1008 इस नंबर को लिखना शुरू करिए। 41 डेज अगर आपने कंटिन्यू इस नंबर को लिख लिया, उसके बाद में जो पैसों का जो आगमन आपकी लाइफ में शुरू होगा तो स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यूसली आता ही रहेगा। 41 डेज के बाद से क्या होता है कि कोई भी नंबर एक्टिव होता है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार कोई भी नंबर अगर आप यूज कर रहे हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखाता है, मतलब 41 डेज के बाद से ही नंबर एक्टिव होकर के और फिर बाद में वो रिजल्ट दिखाता है। तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कि मैंने आज नंबर लिखा मुझे कल से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, ये नहीं करना है आपको। बस ये है कि थोड़ा सा पेशेंस बनाना है और 41 डेज तक कंटिन्यू इस नंबर को लिखते रहना है, ठीक है। ये तो हो गया पहले नंबर का। अब दूसरा रेमेडी जो आपको बता रहा हूं, किसी भी शुक्रवार के दिन में, और खास करके जो आज की रेमेडी बता रहा हूं, शुक्रवार को आप कर सकते हैं, गुरुवार को आप कर सकते हैं, पूर्णिमा को कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इस प्रयोग को वैसे कहा गया है कि प्रदोष के दिन किया जाए, यानी कि त्रयोदशी, उस दिन ये चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देता है। अर्जेंट नीड है कभी भी कर सकते हैं, बस विश्वास होना चाहिए, लेकिन अगर प्रदोष को करेंगे तो और भी बेस्ट होगा, है ना। तो वीडियो को आप सेव करके रख लें और जानकारी को लिख करके रख लें, और जब भी प्रदोष आता है तो उसमें सामग्री की कुछ जरूरत पड़ेगी। इसमें जरूरत पड़ेगी आपको एक भोजपत्र के टुकड़े की, 10-20 रुपए का इजली मार्केट में मिल जाएगा, साथ में एक गोमती चक्र और एक पीली कौड़ी, ठीक है। और साथ में आपको साबुत धनिया के बीज, साबुत धनिया के बीज आपको 11 दिन करके ले लेने हैं, ठीक है। और लाल चंदन का पाउडर मिल जाता है, बहुत ही बेस्ट है, थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर ले लें, थोड़ा सा हल्दी डाल दें और थोड़ा सा कुमकुम, गुलाब जल या गंगा जल से इसका आपको पेस्ट बना लेना है। और प्रयोग दोस्तों सात्विक है, तो इसका यदि अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो जिस दिन प्रयोग करेंगे तो उस दिन नॉनवेज वगैरह, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को ना लें, इन चीजों को अवॉइड करें। और कोई भी यदि स्टोन पत्थर पहना हुआ है तो उतार करके इस रेमेडी को आप करें। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी, तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं, या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के, छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो करंट फोटो से आप फेस रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग के द्वारा जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7-11 किस दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों राहु को बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा शावर मंत्रों के द्वारा 18 डेज की विशेष पूजा होती है। राहु को बैलेंस करने के लिए समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, राहु को बैलेंस अगर आप कर लेते हैं तो अनएक्सपेक्टेड जो परेशानियां चल रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। 18 दिन में आपको अमेजिंग चेंजेस नजर आते हैं।
और शनि राहु केतु तीनों प्लैनेट्स को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 28 डेज की पूजा की जाती है। समझ लीजिए कि ये तीन प्लैनेट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कर्ज, शत्रु, बीमारी सब इन्हीं के प्लैनेट की वजह से आते हैं। अगर इनको बर्थ चार्ट में बैलेंस कर लिया जाए तो समझ लीजिए कि 100% सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं, ये नाथ गुरु नाथपंथियों द्वारा प्राप्त हैं, पूर्ण शाबर मंत्र हैं। शाबर मंत्रों की जो शक्ति होती है तुरंत में एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं। आजकल सभी लोग शाबर मंत्र डाल रहे हैं लेकिन आधे अधूरे, शाबर मंत्र दुर्लभ होते हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र है नाथ गुरु नाथपंथियों द्वारा प्राप्त है। 3 महीने में खुद का घर प्राप्त करना चाहते हैं तो शाबर मंत्रों की 3 महीने की विशेष पूजा होती है, 3 महीने में आपको खुद का घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति हुई है, फीडबैक है मेरे पास में। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है व्हाट्सएप में जाके कंसल्ट करके पूजा बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो आपने भोजपत्र का टुकड़ा ले लिया, लाल चंदन, कुमकुम, अष्टगंध का आपने गंगा जल या गुलाब जल से पेस्ट बना लिया। अब आपको गोमती चक्र और कौड़ी जो है आपकी, इसको सबसे पहले आपको शुद्ध जल से कच्चे दूध से स्वच्छ कर लेना है और किसी भी समय इस प्रयोग को कर सकते हैं। अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं और माता रानी की, माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान के साथ में माँ लक्ष्मी की, या आपके घर में जो भी भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने एक बाजौट पटरा लगा लें, एक कपड़ा बिछा लें, घी का दिया जला लें, थोड़ा सा गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती तैयार रखें और वहां बैठ करके सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से शुक्री मुद्रा लगानी है। शुक्री मुद्रा लगा के दोनों हाथ घुटने में रखें, आज्ञा चक्र पर यहां ध्यान लगाएं, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को अंदर खींचें, जहां सांस की लिमिट खत्म हो जाए सांस को बाहर छोड़ दें। 11 बार आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से आंतरिक शुद्धि होती है, नेगेटिविटी रिमूव होती है, आंतरिक ऊर्जाएं एक्टिवेट होती हैं, जिसे उपाय करते हैं तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त आता है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, भोजपत्र में जो आपने पेस्ट बनाया हुआ था चांदी के तार से, अनार की लकड़ी से या फिर गुलाब की लकड़ी से, आपको सबसे पहले जो मंत्र आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा या मैंने स्क्रीन में नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, इस मंत्र को आपको लिख देना है, ठीक है। ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धिम श्रीम श्रीम श्रीम, ये मंत्र आपको लिखना है 6 बार भोजपत्र में। अब जो कौड़ी ली हुई थी यही मंत्र से 6 बार अभिमंत्रित करके कौड़ी इसके ऊपर रख देना है। एक गोमती चक्र लिया हुआ था, यही मंत्र 6 बार पढ़ेंगे और उसके ऊपर रख देंगे भोजपत्र के ऊपर। 7 दाने या 11 दाने आपको जो कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के बीज दिए हुए थे ये इसके ऊपर आपको रख देना है। अब इसको फोल्ड करके किसी लाल कपड़े में लाल धागे से मौली से लपेट देना है और इसी मंत्र का इसको सीधे हाथ में रख करके 108 बार या फिर 1008 बार जो भी आपके पास में समय है, मतलब मिनिमम हो जाएगा आपका 108 टाइम्स और मैक्सिमम हो जाएगा 1008 टाइम्स। 108 से कम नहीं होना चाहिए, 1008 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपके पास में समय है उसके हिसाब से इसको अभिमंत्रित करके, और आपको क्या करना है जहां पर पैसे वगैरह रखते हैं वहां पर इसको रख दें, आपका व्यापार बिजनेस है तो, या फिर वहां रख दें, मतलब धन स्थान में रख दें, पर्स में भी रख सकते हैं लेकिन पर्स में रखेंगे तो जन्म मरण में लेकर के ना जाएं और किसी को नॉनवेज वगैरह ना खाएं, इसको लेकर के पवित्रता का आप ध्यान दें। और बहुत अच्छे इसका रिजल्ट चाहते हैं कि इसका बेनिफिट आपको और चमत्कारिक रूप से मिले तो इसको क्या करें, जो मंत्र है डेली इसको 11, 21 या 108 बार डेली इसको हाथ में लेकर के इसको अभिमंत्रित करते रहें। आपको 7 डेज या 11 डेज या 21 डेज में इसका रिजल्ट समझ में आने लगेगा और कंटिन्यूसली इस मंत्र का आप जाप करते रहते हैं तो मनी का फ्लो तो आपकी जिंदगी में बढ़ता रहेगा। कर्ज की समस्या यदि बहुत ज्यादा हो गई है तो इसको प्रयोग को करें, बेरोजगारी है तो भी इस प्रयोग को करें, मतलब कोई भी ऐसी मनोकामना भी है, मतलब आपकी लाइफ के ऐसा लगे कि सभी काम में सफलता मिले, सौभाग्य में वृद्धि हो, कोई चैलेंजेस फेस ना करना पड़े, तो इस प्रयोग को पूरे विश्वास से करिए, एक बार आजमा करके देखिए। कोई खर्चा वगैरह नहीं लगना है, सिर्फ 1 दिन का ये प्रयोग है, बस 1 दिन के प्रयोग से आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट करें। और जो पूजा मैंने आपको बताई है शाबर मंत्रों की, राहु के लिए, शनि राहु केतु के लिए या खुद के घर की प्राप्ति के लिए, जिस भी पूजा की आपको नीड हो तो व्हाट्सएप में एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पूजा करवाना चाहते हैं तो बुकिंग करा सकते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली, ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।